लगातार खबरें अभी तक सुबह से आपको बारिश पर फुल कवरेज दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव खबरें दिखा रहा है, सुपर कवरेज खबरें अभी तक की जारी है। बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर हालात हिमाचल जैसे ही बने हुए हैं, यानी कि चिंताजनक है। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में जहां पर नदियों और नालों में उफान है, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में जल जमाव है। चंडीगढ़ में लगातार बीते 36 घंटे से मूसलाधार तेज गति के साथ बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में बीते 36 घंटों के दौरान 322 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जिससे यहां 23 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। यहां जुलाई के किसी एक दिन में इतनी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई, तो वहीं चंडीगढ़ के कई निचले इलाकों में पानी भर गया और अंडरपास जलमग्न हो गए। बड़ी संख्या में निवासियों ने पेड़ों के उखड़ने, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और बारिश का पानी उनके घरों में घुसने की सूचना दी। बारिश के बाद दोनों राज्यों पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट आई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में इस समय हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहती है, आईएमडी कहती है कि इतनी बारिश आज तक यहां चंडीगढ़ में रिकॉर्ड नहीं हुई है। 300 से ऊपर, 300 मिलीमीटर से ऊपर जो है बारिश यहां रिकॉर्ड हुई है। वाटर लॉगिंग हुई, सारे ही शहर में काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हुई। साथ में कई जगह पे, जैसे 14-15 का डिवाइडिंग रोड है, ऐसे बहुत सारे जगह पे सड़क जो है वो धस गई। जी, काफी जगह पे शहर में धस गए। काफी हमारी वाटर पाइपलाइंस जो है उसका नुकसान हुआ है। कई जगह पे सीवरेज पाइप जो है धस गई है। जो हमारा भाखड़ा मेन लाइन से जो 4 वाटर सप्लाई की पाइप्स आती है, उसमें से एक पाइपलाइन जो है वो पूरी तरह जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद कॉरपोरेशन ने 3 इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेटअप करते हुए 18 क्विक रिस्पांस टीम्स जो है वो हमने अपने सारे ऑफिसर्स के बनाए, जिसमें ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ के बंदे थे बल्कि बीएनआर के बंदे, हॉर्टिकल्चर के बंदे, क्योंकि कहीं पेड़ गिर जाता है, कहीं मलबा फंस जाता है, फायर के हमारे बंदे और एमओएच विंग के हमारे बंदे, ऐसे सारे दे के हमने 18 टीमें बनाई। एंड लगातार 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करते हुए अभी जस्ट मैं पूरे शहर का दोबारा दौरा करके आई हूं। सवेरे से हम सारे ऑफिसर्स फील्ड में ही थे, तो अब काफी हद तक वाटर लॉगिंग जो है वो रिसीड हो चुकी है। और चलिए अब आपको सीधा हम लिए चलते हैं मोहाली, जहां से हमारी संवाददाता हरसिमरत सुबह से लगातार हमारे साथ बनी हुई है और जानते हैं हरसिमरत से इस समय मोहाली में क्या कुछ स्थिति में परिवर्तन हुआ है। हरसिमरत, बिल्कुल दीपशिखा, मोहाली भी जो है वो जलमग्न हुआ है। इससे पहले जब हमने अपने दर्शकों को अपडेट दी थी, उस समय हम सड़कों पर खड़े थे जहां पर पानी का लेवल हम लोग दिखा रहे थे कि सड़कों पर अभी क्या हाल है। पर अब दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो लोगों का जीवन कैसा है, आम लोग जो घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए तो सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, पर कुछ लोग जो अभी तक अपना घर नहीं बना पाए हैं, झुग्गियों में रहते हैं, तो उनके पास पहुँच करना भी जरूरी था, इसलिए खबरें अभी तक वहाँ पर पहुँचा। इस समय मैं मोहाली के 11 फेस में खड़ी हूँ, आपको ये हालात जो है यहाँ पर दिखाऊंगी कि झुग्गियों के हालात किस तरह से, जिन लोगों के सिर पर छत नहीं है, तरपाल की छत इन्होंने लगा रखी है, उनके हालात आप देखिए किस तरह से, जो तरपाल है इन्होंने लगाई हुई है वो भी पूरी भीगी हुई है, सामान जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ है और हालात जो है इनके लिए भी सामान्य नहीं है। लोग चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं पर उस चूल्हे में आग हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। बातचीत भी इनसे जरूर मैं करना चाहूंगी दीपशिखा, की जान लें कि आखिर इतनी परेशानी जो सभी लोग झेल रहे हैं तो इन्हें एक परेशानी जो है यहाँ पर झेलनी पड़ी है, क्योंकि देखा जा रहा है हर चीज जो है इनके पास मुहैया नहीं है, दूर जा नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि छत भी जो है वो कच्ची है। आग जलाने की कोशिश माता के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, इनसे जरूर जानना चाहूंगी। माता जी, बारिश हो रही है, किस तरह से समय निकाल रहे हैं? ऐसे भूखे पैसे बैठे, बारिश हो रही है, डूब रहे, कोई धंधा नहीं, कुछ नहीं जी। कब से बैठे, कोई प्रशासन की तरफ से आया है? नहीं आया, ऐसे बैठे। तो खाने वाने का किस तरह से कर रहे हैं? धंधा करते हैं, लकड़ी वकड़ी बेच के ऐसे काम टाइम पास कर रहे हैं। पर अब तो जैसे बारिश हो रही है, लकड़ियां भी मैंने देखा, ईंधन जो बाहर पड़ा है वो गीला हो गया है, तो उसको किस तरह से, अब लोग खरीद तो रहे नहीं होंगे? नहीं, जल बेचते है ना, इसको थोड़ी बहुत लकड़ी ला के तो धंधा कुछ करते है, खाते कमा के, और कुछ काम नहीं है, ऐसे ही बेले बैठे।
प्रशासन की पहुंच यहां तक हुई नहीं है। आप देख सकते हैं सारा घर जो है इकट्ठा करके एक जगह पर इन्होंने सामान रखा हुआ है ताकि जो है परेशानी वो ना आए, सामान गीला ना हो, कम से कम उसको तो इस्तेमाल किया जा सके। और अब धंधे के बारे में भी इन्होंने बताया कि काम धंधा जो ये करते हैं वो अभी ठप हो चुका है बारिश की वजह से, वो अभी चल नहीं रहा है। तो ये भी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि इस समय में ऐसे लोग जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह कमाएंगे तो शाम की रोटी शायद उनके घर में आएगी, तो उनके साथ भी जो है वो अभी तक प्रशासन यहाँ पर पहुँचा नहीं है। लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो आम लोगों तक जरूर, अगर सोसाइटीज़ की बात करें, फ्लैट्स की बात करें, तो वहाँ पर ज़रूर प्रशासन पहुँचा है। ये देखिए एक घर हम आपको और यहाँ पर दिखाएँगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं परिवार के साथ। तो इन लोगों से भी ज़रूर मैं बात करूंगी और जानेंगे कि किस तरह से अपना समय निकाल रहे हैं। भाई साहब जानना चाहेंगे, पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बारिशें जो है हो रही हैं, तो किस तरह से समय निकाल रहे हैं? मैम बारिश तो यहाँ हो रही है, बारिश की वजह से देख लो कितना भर गया ये, ठीक है जी, बट क्या करें, मजबूरी हमारी, रहना पड़ेगा हमको। और बच्चे हैं छोटे छोटे, जिद करते हैं, खाने पीने का किस तरह से कर रहे हैं अभी? अब करते हैं तो मजबूर में जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, दाल आटा रखा है, बस वही बना के खिला, क्या करें। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई यहाँ पर पहुँचा है? कोई नहीं पहुँचा जी, यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुँचा, ना कोई देखता है ना कुछ करता है, जैसे लाइफ कट रही है हमारी जी। और अभी 3 दिन से बारिश हो गई है, आगे भी कुछ समय और बारिश बताई गई है, तो ऐसे में क्या करेंगे? क्या करें मैम, बैठना पड़ेगा, काम पे जा नहीं सकते, जब बारिश बंद होगी तभी काम पे जाएंगे, तभी कुछ होगा, नहीं तो बैठे। दिनों से इतनी तेज बारिश हो रही है तो कुछ नुकसान भी आप लोगों का हुआ है? नुकसान तो मैम कुछ नहीं हुआ, बस बारिश की वजह से काम रुक गया हमारा, अब डेली जाते थे, डेली कुछ लेके आते थे, वो बंद पड़ा है। तो काम रुक गया है, बच्चे देखिए कि घर पे हैं किस तरह से, लेडीज भी घर पर हैं, इनको भी दिक्कत परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। कि लोग जो है हर एक हालात में इस समय है, हालांकि प्रशासन सड़कों पर है, धीरे धीरे इनके तक भी पहुंच करेगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ की दिखाई हैं मोहाली के 11 फेज की, कि लोग किस तरह से यहाँ पर मुश्किलों में है। हालांकि और जो सोसाइटीज़ हैं, फ्लैट्स हैं, घर हैं, वो ज़रूर आप तक हमने पहुँचाए कि वहाँ पर टीमें जो है लगी हुई हैं, पर यहाँ तक अभी किसी ने पहुँच नहीं करी है। शायद कुछ देर में प्रशासन जो है यहाँ पर भी पहुँचेगा और इन लोगों तक भी आएगा। जी दीपशिखा। बिल्कुल हरसिमरत, हालांकि यहां पर इन लोगों का ये कहना है कि इनका काम ठप है, लेकिन शायद अभी स्थिति से अवगत नहीं है कि आने वाले समय यही मौसम रहने वाला है और लगातार बारिश जारी रहेगी, तो जाहिर तौर पर जो समस्या है वो भी दोगुनी हो जाएगी। शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।